जिनका कोई तुक नहीं है ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को मुझसे कितनी प्रॉब्लम है मैं अपनी फैमिली को ले आऊ तो प्रॉब्लम हो जाती है कि मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो बनाऊँ तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है कि इसके बॉयफ्रेंडे यहाँ मैं इस पर्टिकुलर अपने स्टूडियो में वीडियो बनाऊ तो प्रॉब्लम हो जाती है कहीं बाहर जाओ क्या यहीं पे वीडियो बनाती रहती हो कपड़े पहनती हो और वापस कर देती हो भाई मेरे पास इतने कपड़े हो गए हैं कि मैं अपने घर में कपड़े कपड़े दिखाती रहती हूँ अगर मैं स्ट्रीट फूड खाती हूँ तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है तो सस्ता ही खाना खा सकती है अगर मैं एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट चली जाती हूँ तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट कैसे जा सकती है अगर मैं ट्रिप पे चले जाती हूँ तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि ये ट्रिप पे कैसे जा सकती है मीन I mean, कैसे जा सकती है मुझे नहीं पता लोग मुझे किस तरह से इमेजिन करते हैं लाइक पर सॉरी मैं आपके इमेजिनेशन या आपके एजसन्स के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती मेरी अपनी एक लाइफ है उस तरह से मैं कपड़े पहनना पसंद करती हूँ उस तरह से मैं बोलना पसंद करती हूँ उस तरह से मैं रहना पसंद करती हूँ उस तरह से मैं लोगों से मिलना पसंद करती हूँ आपके अकॉर्डिंग नहीं जी सकती मैं लाइक आप सोचते होंगे कि मैं इस तरह का खाना खाती हूँ तो मैं क्या पता खाती हुई क्या पता नहीं भी खाती हूँ मैं इस तरह से रहती हूँ क्या पता रहती भी क्या पता नहीं रहती हूँ अनपॉपुलर ओपिनियन रखना अच्छी चीज नहीं होती स्पेशली यार किसी के के ऊपर ओपिनियन रखना तो बहुत ही बुरी चीज है मतलब मुझे बिना बात के करेक्टर असैसिनेट किया जा रहा है बिना रीजन के हो रहा है तुम मेरे चेहरे पे बोलो कोई दिक्कत नहीं है मेरी बॉडी पे बोलो या वो तो बोलते ही रहते हो बट मेरा कैरेक्टर क्यों असैसिनेट कर रहे हो मैं मेरे को कभी किसी और बंदे के साथ तुम लोगों ने देखा नहीं है

निकला तो. मतलब, मेरा नहीं उस बंदे को नहीं पता होगा की मैं करती हूं, करती हूं? मुझे नहीं पता वो बंदा क्या कर रहा है अपनी लाइफ में कहा एग्जस्ट करता है मेरे पास कोई नंबर नहीं है किसी का मैं किसी से बात नहीं करती हूँ लेकिन इन लोगों की अलग चुना है ये पता नहीं कहाँ से इमेजिनेशन में लोगों को देख रहे हैं साथ में और पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं भैया अगर एक बंदे ने जो ये चीजें लिख रहा है एक फोटो दिखा दो मेरे इंस्टाग्राम पे एक फोटो दिखा दो मुझे फोटो खींच के कि मैं किसके साथ और कैसे चीट कर रही हूँ इतना ही तुम मैं दम है तो इंस्टाग्राम पे फोटो दिखाओ ना मतलब अपना चैनल तुम्हें प्रमोट है तो कुछ भी बकवास कर फिर, फिर करके आप खुद उसके साथ ट्रिप जा रहे है। क्यों मच रही है क्योंकि तुम नहीं जा सकते हो ट्रिप पे तुम कमा नहीं सकते हो इसलिए दिक्कत हो रही है अपने पैसे नहीं कमा सकते तो दूसरों के कॉमेंट सेक्शन में जाके हग रहे हो मुझे पहली बार पता चला कि लोग कितने फ्री है लोग आ गए क्या सच में उन्हें चाहिए ना मसाला Uh, yes, पहली बात तो मैं में घंटा टाइम का समझ में नहीं आ रहा था मुझे एक परसेंट नहीं पता मेरी बजे लाइव हो रही है कोई आइडिया नहीं था एक्चुअली दुबई का टाइम यहाँ के टाइम से दो घंटे या वन एंड हाफ आवर्स ना ऊपर नीचे चलता रहता है मुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा था मुझे वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ बारह बजते थे यहाँ दो बजते थे मुझे भूख इतनी तेज लगती थी वहाँ बारह बजे मेरे अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा था कि टाइम स्पेंड ही नहीं हो रहा मेरा बहुत वियर्ड था तो वो किरने अपने आप समझ लिया शेज विद बटलर देखा मुझे किसी ने किसी के साथ मेरी वीडियो में कोई बंदा दिख रहा है मैं अकेले अपना बैक कैमरा फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ कोई बंदा नहीं दिख रहा है मैं कैब में बैठी हूँ साइड में मेरे बगल में लग गया जब बंदा होगा तो कहाँ होगा नहीं कोई दिख नहीं रहा अपने आप लगे हुए हैं क्या शी इज चीटिंग विद बटलर एंड शी इज डिलीटिंग माई कॉमेंट बहन गौरीदास कहाँ है तेरा कॉमेंट वो मैं भी देखना चाहती हूँ कौन से कॉमेंट डिलीट किया मैंने मैंने किसी बंदे का कमेंट का रिप्लाई नहीं किया इसके कमेंट डिलीट हो रहे हैं ये अपने आप ही हाजमसन बना रही है जिया ने रिप्लाई किया है तू बिल्कुल बेवकूफ है बिल्कुल सही बोला जिया ये एकदम बेवकूफ है इसको इसका रेडिट और इसका चैनल प्रमोट करना है जिन लोगों को खुद मिलता नहीं है ना कुछ खुद तो उनमें होता नहीं है टैलेंट तो उन्हें बकवास करनी आती है सारे कॉमेंट दिख रहे हैं तेरे कोई डिलीट नहीं कर रहा उसने चिल्ला तो वीडियो में भी कोई नहीं दिख रहा पागल कहीं तो गोरीदास जिनको कुछ नहीं मिल रहा तो उन्होंने कहा मैं आग लगाने आ जाती हूँ ये वो कमोलिका यू आर राइट आई ऑल्सो थिंक किसने देखा मुझे किसके साथ किसने देखा मुझे किसके साथ अब तो मैं भी जानना चाहती हूँ कौन है वो बंदा किसके साथ देखा तुम लोगों ने मुझे अब उस वो बंदी जिया को रिप्लाई कर रहे दास गोरी तुम्हारे पास कुछ तुम सच में उदास हो दास तो पता नहीं तुम उदास बहुत ज्यादा हो बेटा अरे बेवकूफ जो कमेंट डिलीट हुए हैं तुझे कैसे दिखेंगे मुझे पता है मैंने कमेंट किया था है बहन तुमने तो कॉमेंट किया था मुझे भी नहीं दिखे तेरे कमेंट्स तो क्या भूत ने डिलीट कर दिया या तुम गाली दे रही थी उस कमेंट में जिस वजह से वो क्या कहते हैं यूट्यूब की कम्युनिटी पॉलिसीज की वजह से वो अपने आप ही चले हट जाते हैं आप लोगों को पता है कि YouTube, Instagram पे आप लोग कुछ कॉमेंट जो होते हैं जो कि अन होते हैं अनपोटेंशियल होते हैं उनको YouTube खुद भी पोस्ट नहीं करने देता वो डायरेक्ट दूसरे बिन में पहुंचा देता है या तो तुम गाली दे रही होंगी उसमें तो YouTube ने हटा दिया तुम्हारा कॉमेंट अगर तुम मुझे गाली दोगे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज करोगे वो नहीं दिखाएगा यूट्यूब इतनी अकल तो रख लो तुम मुझे बोलते हो बेवकूफ अनपढ़ खुद अन पढ़ो एक लड़की का आ गया सोनम वाइब्स तुम में से बिल्कुल मुझे वाइब नहीं आ रही बस इस हॉलीडे में वो बटर के साथ आई है या नितिन के साथ वाओ मेरी लाइफ में दो लड़के हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता बटलर के साथ या नितिन के साथ साथ लाइफ ना होगी पता नहीं क्या अब रोहन को चोरी करके खुद उसके ट्रिप पे जा रही है कोई दिक्कत है भाई तू भी चली जा ट्रिप पे तू भी चली जा किसी के साथ ट्रिप पे मैंने रोका तुझे लड़की ने बोला मतलब कुछ भी बकवास वाओ शी इज डिलीटिंग माय कमेंट एक तो इसके कमेंट कहा है भाई मेरे को भी पढ़ने अब इसके कमेंट रेडिट मतलब समझ नहीं इसे अपने रेडिट पे लोगों को पहुंचाना है तो कुछ भी बोल रही है यार लोगों का लगा हुआ है कैसे यूज करें मतलब इतनी लोगों के अंदर खुजली खुज लिया ना। कैसे देखो हमें भी देखा है किसके साथ ही है? बताएंगे इसको क्या तुम जब तुम्हें कोई प्रॉफी नहीं मिलेगा बहन इतनी चीप निकली है किसी और की बी एफ को ले गई देखा भी नहीं कोई लड़का नहीं दिख रहा किसी की छाई नहीं दिख रही बी एफ को ले गई ओह मजा आ गया मैंने उसको लिख दिया बी एफ को ले गई बहन एक बंदा तो दिखा दे पता कैसे करना है ओ माई गॉड लोगों को कितनी वो है ना मेरा कमेंट डिलीट कर दे इस बहन का तो कमेंट ही डिलीट होता जा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस बहन का कौन कमेंट डिलीट कर रहा है अरे भैया मैं भी यूट्यूब वालों को पर्सनली मैसेज करना चाहूंगी इस बहन के कमेंट दिखा दो भैया कौन से डिलीट हो गए क्योंकि मैंने तो इस बहन के कोई कॉमेंट डिलीट नहीं हुआ अगर मुझे कॉमेंट डिलीट करने होते मैं सारे कॉमेंट डिलीट करती ना आ, दूसरी वाली खान जी अपने आप शुरू चोरी पता चल गई ना मुझे यही बात है मुझे लग रहा है हाँ चोरी कर रही है हाँ, मैंने भी देखा। और कहां देखा? 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 एक लड़की पूछे आप गर्ल है ना उसने कहा हाँ गर्ल हूँ बी एफ भी चोरी होते है। <laughs> मुझे भी है ये बात बोल रहे कैसे चोरी होता है बार्भी? मुझे बताओ कोई सामान है कि मैंने उठा लिया और मेरे पॉकेट में आ गया मतलब

वर्ल्ड वाइड बोलूंगी कुछ भी होता है तो हर चीजों का इल्जाम सिर्फ लड़कियों पे क्यों आता है लाइक किसी की मैरिज अनसक्सेसफुल हुई लड़की पे बोल देते हैं उसका हस्बैंड चीट कर रहा है लड़की पे बोल देते हैं आदमी को कोई कुछ क्यों नहीं बोलता कभी भी लाइक कोई आदमी को कुछ नहीं बोलेगा सर हर चीज का लड़की पे इसमें जैसे ये मुझे बोल रहा है कि मैंने किसी का बॉयफ्रेंड चोरी किया उस बंदे को किसी ने गलत नहीं बोला सारी गलती मेरी है मैंने बॉयफ्रेंड चोरी कर लिया उस बंदे की कोई गलती नहीं है वो कितना सही है लाइक like, एक बंदा एक लड़की को चीट करता है दूसरी लड़की के पास चला जाता है लड़की की गलती है बंदे की गलती नहीं है क्यों क्यों नहीं है बंदे की गलती लड़की की क्यों गलती है वो बंदा भी तो गया ना चीट करके आई थिंक सबसे बड़ा चीटर तो वो बंदा है क्योंकि वो रिलेशनशिप में था बाहर वाली को क्यों बोला जा रहा है उसने कैसे चीट किया इस चीज में मैं थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी होगी बाहर में जाए सिलीना हेली एंड जस्टिन सारा हेट सिर्फ हेली पे जाएगा सिलीना पे जाएगा जस्टिन पे नहीं जाएगा आदमी आदमी कभी कभी गलत गलत क्यों नहीं नहीं होते यार सोसाइटी में कभी गलत नहीं हो सकते गलती हो सकती है औरतों तो की हो सकती है लेकिन आदमियों की नहीं तो ये लड़कियां आके आ एक लड़की को बोल रही है तुम चोरी करो बॉयफ्रेंड चोरी करो बॉयफ्रेंड चोरी करो बी एम अच्छ्योर गर्ल कोई किसी का बॉयफ्रेंड चुरा सकता है क्या आई I मीन mean, शायद तुम इतने छोटे हो और इतनी बचकानी तुम्हारी सोच है कि तुम ऐसा सोचते हो कि बॉयफ्रेंड चुरा सकता है किसी का आदमी चुरा सकता है नहीं अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है तो सब कुछ पॉसिबल है और अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है तो उतना ही बुरा वो भी बंदा है जितना बुरा आप सामने वाले को बुरा और जिसमें बोल रहे मैंने किसी का बॉयफ्रेंड चुराया कभी उस बंदे ने बोला ही नहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड है भाई देखो मैंने अपनी इस यूट्यूब की जर्नी में एक चीज सीख ली कोई किसी का नहीं होता हर किसी को सिर्फ आग लगाना पसंद होता है हर किसी को सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना पसंद होता है हर किसी को सामने वाले को लेट डाउन करना है अगर सामने वाला खुश है तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ मैं अपनी लाइफ में खुश रह रही हूँ मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देख रही हूँ लेकिन लोगों को तो प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के क्यों नहीं देख रही हूँ क्यों बढ़ रही हूँ क्यों ना बढ़ू मैं आगे तुम भी बढ़ो बढ़ो भाई सब आगे बढ़ो वो लोग अगर सेपरेट होते हैं तो उसमें उन दोनों को हर चीज में पॉइंट आउट क्यों किया जाता है अगर वो आगे बढ़ते हैं सेपरेशन हुआ उसके बाद वो बंदा खुश है वो बंदा खुश है तुम भी खुश रहो वो लोग किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे वो लोग किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे तुम भी मत बोलो ना तुम्हे क्यों आग लगाने की पड़ी हुई है इतने जलन वाले लोग भरे पड़े हैं ना इतने जलन वाले कि इनकी अपनी लाइफ में खुशी नहीं होती तो ये दूसरों को भी खुश देखना पसंद नहीं करते देखो मैं अपनी ऑडियंस से बस एक चीज बोलूंगी गाइस खुश रहो दूसरों को खुश रहने दो और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनो अगर तुम ये दूसरों के कमेंट सेक्शन में जाके सर ये अंट संट गंद दिखते रह जाओगे ना तो सच बता रही रहे तुम्हारी लाइफ भी गंद हो जाएगी इतना तुम खुश रहोगे ना जितना तुम सामने वाले को पॉजिटिव लेके चलोगे इन लोगों को छोड़ दो this, मेरी ऑडियंस इतनी प्यारी है ना मैं दुबई में थी तब तक तो आप लोगों को थोड़ा लेट ही पता चला है मैं दुबई में थी मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट आ रहे थे किसी ने मुझे इतने प्यार से कमेंट किया था कि आप प्लीज यहाँ यहाँ जाना एंड कुछ भी चाहिए होगा प्लीज मुझे बताना किसी ने मुझे बताया भी था कि मैं गलत टाइम पे दुबई गई हूँ इस टाइम पे दुबई में बहुत यूमिट है सच में बहुत यूमिट था टेम्परेचर इतना ज्यादा था बहुत ज्यादा मेरे लिए इतना टेम्परेचर सहन करना नहीं था सही लोग so, इतने प्यार से मेरे मतलब तो इतने खुश थे मुझे बाहर जाता हुआ देख के और मुझे सामने से सीरियसली अप्रोचेज आ रही थी कि अगर मुझे किसी भी हेल्प की जरूरत है तो हेल्प करने के लिए तैयार है ऑलो मुझे हेल्प की कोई जरूरत नहीं पड़ी थैंक यू सो मच इतने प्यार दिखाने के लिए सच में मुझे बहुत अच्छा फील हुआ लाइक फील हुआ सबके के, के है जो जो मैं वीडियो बनाऊंगी ये वीडियो मुझे नहीं बनानी थी लेकिन यार सीरियसली मैं हर हाँ चीज इग्नोर कर सकती हूँ बट मैं नहीं इग्नोर करूंगी कोई किसी के करेक्टर पे आके बकवास करे और यहाँ सिर्फ मेरा करेक्टर पे बकवास नहीं की जा रही है एक और बंदे के करेक्टर पे बकवास की जा रही है और साथ ही साथ थर्ड पार्टी पे भी की जा रही है जिसमें हम तीनों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना उसने कभी बोला ना उस बंदे ने कभी बोला ना मैंने कभी कुछ बोला ना मेरे साथ किसी ने कुछ देखा ना उस बंदे के साथ देखा अरे जिन लोगों का होना था वो हो गया और मेरे पास जो बंदा है मेरे पास वो बंदा है और क्यों दिखाऊं मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी को नहीं दिखा रही मुझे पर्सनल लाइफ मैंने दिखाई मुझे लगा कि मैंने गलत किया अब नहीं दिखाऊंगी मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कुछ भी बताना पसंद नहीं करूंगी अब जो है जैसा है हम सिर्फ कंटेंट के बारे में बात करेंगे हम डिप्रेशन एंगजाइटी फलाना ढिकाना वन 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 गाइड आप कुछ भी विश कर सकते हो और प्लीज पॉजिटिव वे में करना कम्पलीट होगी हंड्रेड परसेंट बोल रही हो तो प्लीज अपने एजमशन अपने पास रखे मुझे कोई जरूरत नहीं है और मेरा करेक्टर असेसिनेट करना बंद करो अगर हिम्मत है ना तो प्रूफ के साथ आओ और दूसरों के ऐसे करेक्टर पे बकवास मत करो एक लड़की ने लिखा यू एन बटलर बहुत अच्छे लगोगे साथ में उस किसी को बॉडी शेम किया आई डोंट लाइक इट बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा मुझे कोई भी किसी भी लड़की को बॉडी शेम करे आई मीन क्या मिलता है तुम्हें लगा है, मुझे खुशी मिल रही होगी शादी कर लेना भाई नहीं करनी मुझे शादी और उस बंदे के बारे में मेरे साथ नाम जोड़ना बंद करो वो बंदा अपनी लाइफ में खुश होगा मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ मुझे नहीं पसंद है तुम्हें लग रहा होगा मुझे अच्छा लग रहा है ये कमेंट मुझे बहुत गंदा लगा ये कमेंट किसी ने किसी को किसी के लिए नहीं छोड़ा है और ना ही ये खामा खा काम्पन क्रिएट करना बंद करो मैं किसी के साथ नहीं हूँ इस घर में कोई भी नहीं है कपड़े पड़े हुए हैं

उस बंदे को पता भी नहीं होगा ये सब चीजें चल रही है यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता था कि तुम लोग इतना गंदा सोचते हो बारे में यस yes. यार डिड शी बिट्रे आपको कैसे पता? हाँ, exactly. कैसे पता पता एग्जैक्टली भाई मुझे भी भी बताओ मैं पहली बार सुन रही हूं। एक तो भैया जिस बंदे भी ने भी वो वीडियो बनाई थी ना इतनी गंदी वीडियो बनाई थी भाई प्लीज एक सच सच बता के जाते कि में क्या हुआ था तुम्हारी वजह से ये दूसरों का करेक्टर असैसिनेट हो रहा है क्या ये सही है क्या तुम्हें खुशी मिल रही होगी कि तुम किसी लड़की का करेक्टर असैसिनेट करवा रहे हो वो थोड़ी ना बताई है आई थिंक हाँ बहन चुरा ले मैंने क्या दिक्कत है तू भी चुरा ले रोका मैंने तुझे पे बोला प्लीज गाइस स्टॉप इट बहुत ज्यादा हो रहा है दिस इज नॉट फनी ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है एक बंदी ने मुझे लिखा है आ, फिर बताना किसके साथ गई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो गई नहीं होगी गरीब है वो तुझे पता है कितना गरीब है वो तो कैसे रहता है कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास जस्ट बिकॉज कोई बंदा शो ऑफ करना नहीं पसंद करता इसका मतलब तुम तुम्पशन कर लो कि वो बंदा गरीब है अच्छा कैसे होते हैं लोग गरीब क्या होता है गरीब मुझे ये बताओ तुम्हारी डेफिनेशन में गरीब का मतलब क्या है अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप गरीब हो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ आई एम सो हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ मैं स्ट्रॉग हूँ और मुझे तुम लोगों की तरह बकवास करने की जरूरत नहीं है मुझे ये अमीर गरीब वाला स्टेटस दिखाने की जरूरत नहीं है मैं जैसी हूं मैं बिल्कुल खुश हूँ क्या मतलब है गरीब तुझे पता है कितना पैसा है उसके पास कैसे रहता है वो क्या घर है उसके कितने घर है उसके कुछ आइडिया है बेटा छोड़ो मैं मैं इनकी तरफ बकवास नहीं करना चाहती बट किसी के ऊपर ये और गरीब अमीर और गरीब ड्रामा कर रहे हो भाई देखो आई एम तो बिलोंग टू है मिडिल क्लास फैमिली और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ में और जिस बंदी के लिए तूने गरीब बोला है ना बहन क्या बोलूँ मैं वो बहुत कुछ कर सकता है जस्ट बिकॉज वो उस तरह का नहीं है उसे शो ऑफ करना नहीं पसंद है उसका मतलब तो मुझे लगता है वो गरीब है

अच्छी दुनिया है ना मतलब आपने को कभी किसी के साथ देखा नहीं गया आपने अपनी लाइफ में सिर्फ काम किया है आपने कभी किसी के सामने रोया नहीं आपने सत्तर स्टोरी नहीं बताई कि मेरे इस साथ ही हुआ, मेरे इसके इसके साथ साथ ये ये हुआ हुआ क्योंकि कभी कोई रहा नहीं लेकिन फिर भी आपको शेम कर रहे हैं आई सिल जो लोग अपनी स्टोरिया क्रिएट करते हैं उनको कोई स्लट शेम नहीं करता जो बंदा शांत है कभी किसी के साथ उसका नोटिस नहीं किया गया जस्ट बिकॉज वो अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखना चाहता है उसको शेम कर दो जाके क्योंकि तुम्हें उसमें मजा आ रहा है तुम्हें आग चाहिए हो भाई मैं जैसी हूँ मैं खुश हूँ मैं आगे बढ़ रही हूँ तुम्हें जलन हो रही है तो जलो मैं बोर्ड जलाऊंगी तुम्हें मुझे करके मजा आ रहा है तो फिर क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें मेरे को कंटेंट मिलेगा मेरी रीच जाएगी मुझे व्यूज आएंगे मैं पैसे कमाऊंगी

अगर नितिन को लात मारा है अपने तो अपनी लाइफ का सबसे अच्छा काम किया इनको मेरी फैमिली से प्रॉब्लम है मेरे बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम है मुझसे प्रॉब्लम है मेरे लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम है मतलब हर चीज से प्रॉब्लम है कहीं जीने नहीं देंगे ना खुद जिएंगे ना दूसरों को जीने देंगे बहन अच्छा बहन मैंने उसको लात मार के अच्छा काम किया अपनी लाइफ का मेरे अकॉर्डिंग मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था जब मैं नितिन से मिली थी और वो अभी तक मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन है कि मैं उससे मिली शायद तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा और मेरी लाइफ में सबसे अच्छा डिसीजन ही रहेगा वो हमेशा वो एक ऐसा डिसीजन है मैं जब ऐसी चीजें होती है कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने ये सब क्यों स्टार्ट किया या कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों मैंने कुछ डिसीजन ले अपनी लाइफ में लेकिन नितिन के लिए मेरा जो डिसीजन था उसके लिए मैं कभी रिग्रेट नहीं कर सकती बाकी हर डिसीजन मैं रिग्रेट कर सकती हूँ हर एक डिसीजन रिग्रेट कर सकती हूँ बट उसके साथ आने का डिसीजन मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगी क्यों बताऊ मैं मैं किसके साथ हूँ मैं नितिन के साथ हूँ नहीं हूँ नितिन मेरी लाइफ में है नहीं है नितिन मेरे वीडियो में आता है नहीं आता है। सब बता चुकी हूँ लेकिन तुम्हें तो भाई वो बार बार रिपीट चैप्टर रिपीट चैप्टर रिपीट करना मुझे नहीं करना चैप्टर रिपीट मैं खुश हूँ मुझे खुश देख के खुशी नहीं मिलती है क्या नहीं एक्चुअली में नहीं मिलते है, तभी ऐसे फालतू तो के कमेंट करते हो ठीक है कोई बात नहीं मैं और खुश रहूंगी फिर और फालतू तो के कमेंट करना फिर मैं और खुश रहूंगी फिर और फालतू के कमेंट करना फिर मैं और खुश रहूंगी और आगे बढ़ूंगी फिर फालतू तो के कॉमेंट करना ठीक है तो इन सबको साइड करके सच में दिल से बताऊँ आप लोग मुझे जिस तरह से मैसेज कर रहे थे मुझे सपोर्ट कर रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आए थे कि अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है मुझे बस उन्हें बताना है मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा लोगों को हटा देते हैं बाकी बहुत अलग अलग वीडियोज और बहुत कुछ होने वाला है आगे, so, उसके लिए वेट करना and I know, आप लोग मुझ पर अभी नहीं बताऊंगी नहीं तो ऐसे लोग नजर लगा देंगे सो so, मे लगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस दुबई की बहुत सारी वीडियो भी आएंगी ये वीडियो मुझे नहीं बनानी थी लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा था अपना ख्याल रखो ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लो जिससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिले ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन मत लो जो सिर्फ आपको नीचे गिराए सक्सेसफुल बनो लाइफ में यार ये जेलस पर्सन मत बनो लाइफ में सक्सेसफुल बनो लव यू गाइस सो मच नेक्स्ट वीडियो में तब तक है